हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्ट्रीम चैम्प्स की कुछ सेटिंग्स को लेकर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि वो जब स्ट्रीम चैम्प से स्ट्रीमिंग करते हैं तो उनका माइक ग्लिच हो जाता है, तो उसी सेटिंग्स को लेकर आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो ऑन। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले करना है आपको स्ट्रीम चैम्प को ओपन। जैसे स्ट्रीम चैम्प को आप ओपन करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ EQ का ऑप्शन दिखा रहा है। इसे क्या होता है, आप नॉइज़ कैंसिलेशन कर सकते हैं और स्ट्रीमिंग के समय जो EQ के ऑप्शन पर करें क्लिक। यहाँ क्लिक करते ही आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं थ्री डॉट दिखा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और लेस नॉइज़ पे ऐसे आपका फ्लैट पर रहेगा, आप लेस नॉइज़ पे क्लिक कर देंगे। लेस नॉइज़ करेंगे यहाँ देख सकते हैं लेस नॉइज़ के लिए पूरा ऑटो डिफॉल्ट जो होता है सेटअप हुआ जाएगा। लेकिन मेरा नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है तो मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। अगर आपका भी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं, नहीं तो ऑन कर सकते हैं। चलिए अब अपने कुछ सेटिंग्स के बारे में चलते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग के समय मेरा कैसा सेटिंग्स रहता है। सो उसके लिए आपको ऊपर जो थ्री डॉट दिखा रहा है उस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ मेरा स्ट्रीम चैम्प का अब पूरा सेटिंग्स ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिटरेट जो शो हो रहा है, मैंने 4000 वैसे रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसका, ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही अच्छा है, 100 Mbps से ज़्यादा है, तो आप इसे 5000 पर रख सकते हैं। मेरा वैसे 50 Mbps देता है तो मैं इसे 4000 पर रखता हूँ। और जो मैक्सिमम बिटरेट है नीचे जो शो हो रहा है, वो आप मैक्सिमम बिटरेट भी 44000 के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए वैसे सही रहता है। मैक्सिमम अगर इंटरनेट स्पीड बढ़ता है तो मैक्स बिटरेट उतना जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। इस हिसाब से आप उसे मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम बात करते हैं अगर फ्रेम रेट की बात करें तो आप इसे 60 FPS पर रखें, उस तरह ज़्यादा स्ट्रीमिंग के समय बहुत ही ज़्यादा सही देता है, लैग नहीं दिखाई पड़ता है स्ट्रीमिंग पे। आगे कुछ सेटिंग्स देखें, जैसे यहाँ आपको देख रहे हैं ऑडियो मोड को आप मेक श्योर करें कि इसको गेम चैट पर रखें। गेम चैट पर क्या होगा, आपका वॉइस भी टीममेट को जाएगा और टीममेट का वॉइस भी आपको आएगा और आपका वॉइस भी स्ट्रीमिंग पे भी जाएगा। इस तरह गेम चैट पर रखें। ये देखिए आपका कहीं हो सकता है कि माइक ग्लिच होने का मेन कारण हो जाता है कि आपका वॉइस वीडियो चैट या डिफ़ॉल्ट पे हो, उसको गेम चैट पे कर ले। आगे बात करें कुछ सेटिंग्स पे, यहाँ देख सकते हैं ऑडियो में बिटरेट है, इसको 128 Kbps रखें। वैसे आप इस पर आपका आवाज़ बहुत ही सही जाएगा स्ट्रीमिंग पे, एकदम मतलब बहुत ही बेस्ट जाएगा। आगे कुछ सेटिंग्स पे बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्पीड ओवर क्वालिटी, इसको आप ऑफ रखें। इस तरह ऑफ रखने से क्या होगा कि अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो भी हो रहा है तो आपका आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपका आवाज़ सही जाएगा स्ट्रीमिंग पे और स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी बनी रहेगी, वो कम नहीं होगी। बस यही सब सेटिंग आप कर लें। अगर आपका कोई साउंड ग्लिच हुआ होगा तो वो सही हो जाएगा। बस इतना ही सेटिंग्स था, आप सारे सेटिंग्स को ध्यान से देखें और कर लें। और अगर चैनल पे आप नए हो, नए आ रहे हो चैनल पर, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो ऑन ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।